शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उसे हराने के लिए मुझे भी चालाकी करनी पड़ेगी। पेपर में जो कुछ भी तुम्हारे बारे में लिखा वो झूठ है। हाँ झूठ है। गुस्से में होता तो तुम्हारी जान ले लेता। होश में हूँ इसलिए तुम्हें धमकी देकर छोड़ा। आ गए आप? कहाँ थे सुबह से? मैंने दो बार क्लिनिक में फोन किया, डॉक्टर शर्मा ने कहा 7 बजे ही निकल गए हो, फोन भी नहीं किया तुमने। रिया घर पे है? हाँ अपने कमरे में है। बुलाओ उसे, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। रिया मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, जरूरत न पड़ती तो शायद मैं तुम्हें ये बताता भी नहीं। पापा हुआ क्या है? आप तो मुझे डरा रहे हैं। देखो रिया मैं जानता हूं तुम आर्यन से बहुत प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूं कि प्यार के मामले में बाप कितना भी सही हो औलाद उसे हमेशा गलत समझती। मैंने आज तक आर्यन के बारे में तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, कहने की कोई ठोस वजह भी नहीं थी। पर आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि वो जो लड़का है वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। रणबीर हम इन फिजूल की बात नहीं, मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी लड़की की जान बचा रहा हूं मैं। जिस लड़के की इतनी तरफदारी कर रही हो तुम जानती हो उसकी असलियत क्या है? ये देखो, ये देखो, देखो इसे, पढ़ो पढ़ो। ही इज अ ब्लडी मर्डरर। अपने बाप का खून किया उसने, सजा काटी उसने, जेल गया है। और बताओ उसने क्या किया मेरे साथ, बताओ। जानता हूं कल रात की बात ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। ऐसा लग रहा होगा जैसे तकदीर ने सिर्फ तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। पर सच बात तो यह है बेटी कि तकदीर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने सच्चाई हमारे सामने रख दी। कुछ दिन और अगर हमें उसकी असलियत न मालूम होती तो बहुत देर हो जाती। और अब तुम्हें ये सब कुछ भुलाना होगा एक नई शुरुआत के लिए, राइट? तो अब बाहर चलकर अपने पापा के साथ थोड़ा सा नाश्ता कर लो ताकि वो बड़े सुकून के साथ इस घर से जा सके। Come on. पापा, मुझे भूख नहीं है। जितनी भूख लगी उतना खा लेना। प्लीज पापा। Okay.
You gotta be strong. सब झूठ है। सच तो यह है कि 3 साल तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी मैंने जेल में काटी है। उस जेल में जहां हर रात मेरा बाप मेरी मां को मारा करता था और मैं डरा हुआ चुपचाप अपने कमरे में छिपकर बेबस और लाचार देखता रहता था। हर रात मैंने अपनी माँ को जलील होते हुए देखा और हर रात अपने बाप की जगह किसी शैतान को देखा। मेरी माँ की सिसकियाँ और दर्द भरी चीखें मेरे दिल में मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। एक एक करके साल गुजरते रहे और एक दिन जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने अपनी माँ को मरा हुआ देखा। मेरी माँ ने मेरे बाप के जुल्म के आगे दम तोड़ दिया। अपने बाप को जब मैंने देखा तो मुझे खूनी नजर आया। एक खूनी जिसकी सिर्फ एक ही सजा थी। सजा काटी है, शायद अभी भी सजा बाकी है। आर्यन, I'm sorry. आर्यन से मिलने गई थी? जी पापा। सच जानने के बाद भी? पापा, पापा आपको जो पता है वो सिर्फ आधा सच है। मैं पूरा सच जानकर आई हूँ। पापा, आर्यन ने अपने पिता का खून नहीं किया बल्कि अपनी माँ के कातिल को सजा दी है। बचपन से आर्यन ने अपनी माँ को उस कसाई के हाथों पिटते हुए देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो खूनी है। पापा, लेकिन उसने वो खून, मुझे उस खून से कुछ लेना देना नहीं है जो उसने किया है। मैं उस खून की बात कर रहा हूं जो मैंने उसकी आंखों में देखा है। मुझे परवाह इस बात की नहीं कि उसने क्या किया है, मुझे परवाह इस बात की है कि वो क्या कर सकता है। उसने अपने बाप के साथ जो किया सो किया, मेरी बेटी की तरफ अगर उसने आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें नोचूंगा। पापा, लेकिन बस अब तक तुम्हें प्यार से समझाता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे साथ सख्ती भी कर सकता हूं। आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगे।
क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। आप उसके बारे में जो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, मगर मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आपका क्या है? जब से वो हादसा हुआ है ना आप एक पल चैन से जिए, ना ही मुझे जीने दिया है। जो मर गया वो सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा भाई भी था। आप उसकी लाश को अपने कंधे पर लेकर चलना चाहते हैं तो चलिए, अकेले चलिए, मुझे क्यों घसीटते अपने साथ? उसकी मौत का बदला आप मेरी जिंदगी से क्यों ले रहे हैं? शर्म नहीं आती अपने पापा से इस तरह से बात करते हुए? इस दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया कि तुम अपने पापा को इस तरह से दुख पहुंचाओ? हाँ, I hate you, I hate both of you. मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मेरी बेटी की जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? क्या कह रहा सर, लोग देख रहे हैं और साथ साथ आप कानून को भी हाथ में ले रहे हैं। बाप का फर्ज दुनिया के किसी भी कानून से बड़ा होता है, समझ गए? अपना फर्ज निभाने के लिए मैं कोई भी कानून तोड़ सकता हूँ, कोई भी कानून। छोड़िए सर, छोड़िए, आप होश में नहीं, गुस्से में। गुस्से में होता तो तुम्हारी जान ले लेता, होश में हूं इसलिए तुम्हें धमकी देकर छोड़ रहा हूं। नकमान गिरा तुम्हें, गिरा। Wonderful game, huh? Good luck. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Freddy. Commissioner sahab, how are you? Very well, yaar. Back and aaj bhi chal raha hai, huh? Meet my very dear friend, Dr. Ranveer Malhotra. How did you say? Aap hai Commissioner sahab, Shri Lalit Mohan Tiwari. Haan, Freddy ne mujhe aapki problem ke baare mein bataya hai. Baithiye. Thank you. Aapke case mein sabse badi problem ye hai ki aapki beti aapke saath nahi hai. Wo balig ho chuki hai. Apni marzi se jise chahe pyar kar sakti hai. इसीलिए तो आपके पास आए सर। वो लड़का मेरी बेटी को बहला फुसला रहा है सर। रिया सीधी लड़की है, बात समझ नहीं पा रही है। उस लड़के ने खून किया कमिश्नर साहब, बाप का खून किया है, अपने बाप का खून। जानता हूं और कानून उसे इस बात की सजा दे चुका है। अब जेल के बाहर वो क्या करता है, किससे प्यार करता है, किससे शादी करना चाहता है, कानून उसे नहीं रोक सकता। कमिश्नर साहब, कुछ तो आपको करना ही होगा। देखो यार फ्रेडी, कानूनन तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब इज्जतदार आदमी हैं, इनके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि उस साले को एक बार उठा लेता हूँ, दो पुलिस वाले सामने बैठ के समझाएंगे, समझ जाएगा वो। बंद करो! आर्यन त्रिवेदी कौन है? कौन है आर्यन त्रिवेदी? सर, हेलो कमिश्नर साहब। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए।
आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मेरी बेटी की जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? क्या कर रहे हैं सर, लोग देख रहे हैं और साथ साथ आप कानून को भी हाथ में ले रहे हैं। बाप का फर्ज दुनिया की किसी भी कानून से बड़ा होता है, समझ गए? अपना फर्ज निभाने के लिए मैं कोई भी कानून तोड़ सकता हूँ, कोई भी कानून। छोड़िए सर, छोड़िए, आप होश में नहीं। गुस्से में? गुस्से में होता तो तुम्हारी जान ले लेता। होश में हूँ इसलिए तुम्हें धमकी देकर छोड़ रहा हूँ। ना कमान, गिरा तुम्हें, गिरा। ये आप ही की आवाज है ना मिस्टर रणबीर? ये इसकी चाल है कमिश्नर साहब, चाल है इसकी। जानबूझकर ये हॉस्पिटल के सामने आया, जानबूझकर इसने मेरे सामने वो अखबार चलाया ताकि मैं ये टेप रिकॉर्डर लाने की वहां क्या जरूरत थी? आप पूछे इससे। ए तुम जाओ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। जब आप चाहें सर, मुझे इस देश के कानून और पुलिस पर पूरा भरोसा है। रिलैक्स, कुछ भी हो रणबीर साहब, कुछ भी हो, आपको यूं सबके सामने उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। उसके साथ साथ आपने ये भी कह दिया कि आप गुस्से में नहीं, होश में थे। खैर, बट यू आर राइट कि वो लड़का बहुत चालाक है। फिलहाल तो सबूत के साथ उसने कंप्लेन लिखवाई है। अब अगर किसी ने भी उसको कोई नुकसान पहुंचाया, एक्शन तो मुझे आप ही के खिलाफ लेना पड़ेगा। बस रणबीर, बस बहुत रो लिया। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। जितना समझाना था रिया को उतना समझा लिया हमने, बाकी उसकी किस्मत छोड़ दो उसे उसके हाल पे। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। प्रिया को इस तरह अपने आप से दुश्मनी नहीं करने दूंगा। औलाद अगर भटक जाए तो मां बाप का फर्ज बनता है कि वह उसे रास्ते पर वापस लाएं। इस रास्ते में उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और क्या कर सकते हैं आप? सब कुछ तो करके देख लिया हमने। नहीं, शायद सब कुछ नहीं किया, इसीलिए तो बात यहां तक पहुंच गई। वो लड़का जितना खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा चालाक भी है। उसे हराने के लिए मुझे भी चालाकी करनी पड़ेगी। जो खेल वो हमारे साथ खेल रहा है, उस खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा मुझे। जो जंग उसने हमारे खिलाफ छेड़ी है, उस जंग को जीते बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं रिया को वापस लेके आऊंगा तो एक मजबूर गिड़गिड़ाते हुए बाप की तरह नहीं, उसे छीन कर वापस लाऊंगा। मैं अपनी एक औलाद को मौत के मुंह में खोया हूं। आपकी मां मौत को मुझसे हारना होगा। मैं अपनी बच्ची
मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह से खींच कर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। उस छमिया के साथ शादी बनाएगा तो अपन लोग किधर जाएगा यार? अबे अबे तेरे को क्या करने का यार, जो कुछ भी करेगा अपना देवू करेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन देवू छमिया को लेके घर पे आ गया तो अपन लोग किधर जाएगा? ओए अरे कहाँ जाएंगे यार, देवू अपना खासम खास है, एकदम खासम खास। क्यों देवू अपनी छमिया को कह देगा ना कि शादी के बाद हमारे साथ ही रहे? क्यों तेरे घर में छूट गया। बियर पिलाएगा ना थका देगा शादी से ज्यादा। देवू क्या है, तूने लाइट बंद की थी क्या? तेरे को इलेक्ट्रिक का बिल देने का क्या, बस ले जाएगा बंद करेगा ना? एक मिनट रुक, मैं जाता हूं। चल जा तू जा। अबे ए नाटक, ए बकवास नहीं करने का। डाइनिंग टेबल में पड़ा है, डाइनिंग टेबल पे पर छोड़कर आ गया।